निर्देश के क्रम में जो सजा दिलाने का एक अभियान चल रहा है कि जो भी अपराधी हैं उनको ना केवल जेल भेजा जाए पर जेल में उनको सजा भी हो। तो इस सजा को दिलाने का जो अभियान है वो प्रोसिक्यूशन के साथ में, जो हमारी माननीय न्यायाधीश हैं, जुडिशरी के साथ में मिलकर इस अभियान को किया जा रहा है। और इसमें बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 16 से 24 थानों का जो ज़िला होता है उसमें फिरोजाबाद को तृतीय स्थान मिला है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें हमने लगभग 243 मुकदमों में 444 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय से दंडित कराया है, जिसमें 78 मुकदमे जो हैं वो सेशन कोर्ट के और 135 मुकदमे जो हैं 165 मुकदमे लोअर कोर्ट से निर्णित हुए हैं, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर भारी अर्थदंड दिया गया है। इसमें थोड़ा ब्रेकअप में बताना चाहूँगा कि किस तरीके सज़ा मिली है। लगभग 12 मुकदमों में आजीवन कारावास मिला है, 21 मुकदमों में 10 से 15 वर्ष की सज़ा मिली है, 28 मुकदमों में 5 से 10 वर्ष की सज़ा मिली है और 178 मुकदमों में 5 वर्ष के अराम सज़ा मिली है। इसमें पॉक्सो एवं दुष्कर्म के जो मामले हैं उसमें हमारे जनपद ने अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें 46 अभियोगों में सज़ा हुई है। इसके अलावा हत्या और हत्या के प्रयास में 14 मामलों के अंदर में सज़ा हुई है, गैंगस्टर में 7 मामलों में सज़ा हुई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट में 10 मामलों में सज़ा हुई है और 21 मामलों के अंदर में कारावास और जुर्माने से चोरी और नकबजनी के मामलों में खासतौर से दंड दिया गया है। निश्चित रूप से इससे प्रॉपर्टी क्राइम में भी कमी आएगी और लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, अपराधियों में एक संदेश जाएगा कि अब ना केवल जो है फास्ट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कोर्ट में फास्ट पैरवी की जा रही है, बट जो न्याय है, पीड़ित पक्ष को न्याय भी मिल रहा है और उसको जो है सज़ा लंबे समय के लिए करवा के उसको समाज को भयमुक्त भी किया जा रहा है कि अपराधी जो है काफ़ी लंबे समय के लिए जेल जा रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।